सभी महानगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूं। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारा क्षेत्र खुशहाल बने, समृद्धिशाली बने तथा साथ में सभी क्षेत्रवासियों से अपील कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत सभी केवल कूड़े वाले को ही कूड़ा दें, सड़क पे या नालियों में किसी चौराहे पे कूड़ा ना फेंके। यदि हम ही गंदगी फैलाएंगे तो शहर हमारा गंदा रहेगा, बाग हमारा गंदा रहेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हम स्वच्छकारों के साथ मिलकर क्षेत्र सफाई व्यवस्था सुदृढ़ बनाए, लेकिन ये मिशन जब ही पूरा हो सकता है जब इसमें पूर्ण रूप से जन भागीदारी होगी। और आज इस गणतंत्र के मौके पर हमें स्मार्ट सिटी के रूप में केंद्र सरकार ने पुरस्कार दिया है। स्मार्ट सिटी बनने के उपरांत हम सब समृद्धशाली हो जाएंगे, हमारा शहर बहुत खुशहाल और विकसित होगा। इसकी सभी क्षेत्रवासियों को, महानगरवासियों को और साथ में जिन लोगों ने स्मार्ट सिटी को लाने के लिए प्रयास किए हैं, वो समस्त निगम के कर्मचारी, अधिकारी, हमारे महापौर, हमारे सांसद और विधायक सभी बधाई के पात्र हैं। सबको बधाई, पूरे शहर की जनता को बधाई जिन्होंने स्मार्ट सिटी लाने के लिए अपनी सहभागिता जताई। उनकी सहभागिता के बूते पर ही ये शहर स्मार्ट सिटी बन पाया है। सबको बहुत बहुत पुनः गणतंत्र दिवस की और स्मार्ट सिटी बनने की बधाई।